आप सभी प्रणाम करूं। राजस्थानी कवि सम्मेलन है साहब, आज से शायद 3-4 साल पहले आए थे हम कवि सम्मेलन में। राजस्थान की धरती पे राजस्थान को कवि सम्मेलन, राजस्थानी को कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान के लिए बहुत सारी बाधाओं से, और राजस्थान मां को राजस्थान ज्यादातर गांव में बसे हुए है, और गांव के लेके हमारे पिताजी यूं खेबू करता था कि गांव का लोग बहुत सीधा, बहुत ईमानदार, बहुत भोला, बहुत संस्कारवान अच्छा होबू करे है। तो हमारी बहुत इज्जत थी वहां, हमारी नजर में बहुत इज्जत थी वहां की कि भाई गांव का आदमी बहुत बढ़िया होबू करे है। और वो एक बार जब मोटर में बैठ गए ना तो सारी बातों पर पानी भर गई। हमारे पास में एक बादशाह बैठा हुआ गांव का, मैंने कि बादशाह अपन बैठे बैठे बोर हो गया यार, टाइम पास करा। मैंने कि कशा करा, मैंने कि एक दूसरा से पहले पूछा, मैंने कि पूछो, मैंने कि नहीं ऐसा नहीं पूछा, पूछेंगे ऐसा कर, मैंने आपसे पहले पूछी और आप ही ना आई तो आप मैं 5 रुपये दीजो क्योंकि आप कम पढ़े लिखे हो, और आपने मां से पूछी और मैं ना आई तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा क्योंकि मुँह बहुत पढ़े लिखे हो आदमी। हाँ बादशाह ने की मंजूर, पर फेली मुँह पूछूंगा। मैंने कहा आप पूछो, टाइम पास कर लो साहब। मैं तो वहां गांव का बादशाह ने देखो एक पहली पूछी मां से कि जमीन पे एक टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चल बता कसू जानवर। मैंने कहा बादशाह यह भी कोई पहली हुई थी यार, कोई ढंग की पूछो कि यही बता, जमीन पे एक टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चल बता कसू जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो। मैंने 10 रुपया घड़ा जेब सू, मैंने कि बादशाह ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 फाचा ला, मैं भी नहीं आई। ये गांव का माहौल था, एक ही नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मसक रहा था 15 की नोट छाप ली। मैं चले गई दुकान पर, जब गांव में बादशाह बैठा था, मैंने कि बादशाह 15 का खुला दे दो। मैंने कि बेटा जो 15 को नोट, उनकी और सिटी में बहुत तना को चार्ज हो, गांवड़ा में आता आता टाइम लगेगा। मैंने कहा अच्छी बात, वाने भी अटूटी देख गल्ला में मेल, और गल्ला में सोड़ा सात सात का 2 नोट दे दिया। मैंने कहा बादशाह अब ये कि बेटा ये गांवड़ा में बहुत तना का चार रहा, सिटी में आता आता टाइम लगेगा। एक बार तालोड़ी बजाओ देखो, बहुत आनंद है साहब। आप ये सोच रहे हो कभी ये माँ सरस्वती का पुत्र बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ भाई साहब मुखर्जी मगर आदरणीय है, पर कभी कभी ये भी आगे ऊपर जाओ ना मस्ती में तो बड़ा आनंद जाओ है। मुँह एक बार जाकर साथ कवि सम्मेलन में चलियो, गांव का कवि सम्मेलन में वहां जाए बात पता चलियो, गांव का पटेल जी मर गया, कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात वापस जावा को साधन कोई ना, यानी कि गिराज कहीं करा। मैंने कहा आओ भाई साहब रात की रात ही गुजारा था, मुँह बात करूँ कोई सिर्फ आपके घर पर सो जाऊँ रात भर। मुझे घर पे गुस्सा भाई साहब हमारे साथ में, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं और कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात है वापस जावा को साधन कोई ने, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं हमारे यहाँ तो बहु बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर दूसरा घर पे क्यों वहां जा रहा, फिर की मैंने उनकी बाबूजी कवि है, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात वापस जावा को साधन कोई ने, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं हमारे यहाँ तो बहु बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। 3-4 जगह तो क्यों साहब, सब जगह से एक ही उत्तर मिलियो कि हमारे यहाँ बहु बेटी रहती, जगह नहीं है। मुखर्जी भाई साहब को दिमाग काम करो, यानी कि आज रात हर घर पर चला है, पूरी रामायण पड़े है, और जवाब एक ही मिले है कि हमारे घर पर बहु बेटी रहती, जगह नहीं है। एक काम कर, आपका जी घर पर जाओ ना, वहां पहली बहु बेटी की पूछ ले। मुँह यहाँ का चक्कर में कोई साहब सीधो साधो आदमी, मैंने एक घर पर जाकर पूछ ली जहाँ, मैंने कहा आपका बहु बेटी है, मैंने कि क्यों, मैंने कि रात की रात गुजारनी है। वो लट लेके फाचे पड़े ने जो बना मोटर के दूसरा गाँव में आगे मिल रहा। सरदार जी बैठे हुआ सामने, प्रणाम करता हूँ आपको, आज को कवि सम्मेलन बहुत असरदार होगा कि जी कवि सम्मेलन में सरदार बैठे हो ना, वो असरदार कवि सम्मेलन हो रुका है। वो खुद ही असरदार। अब आज दिनेश बंटी आए तो साहबपुरा से, इन्हें यूँ की दादा जो मेरा एक छोटा बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट, मैंने कहा यार कतरों इंटेलिजेंट, क्योंकि उसको सब बातें मुख जवानी याद। मैंने कहा दादा मुँह हम कोई दिन था घर पे यार,
एकन घर पे जो भी बुलाए उन्हें कि बेटा इधर आ, अत्रो शोक छोड़ो, उनसे पूछ रहे हो कि देख बड़े पापा आए हैं, ताऊ जी आए हैं, इनको बताओ मैं पूछता हूँ जो, माने कि पूछो। तो यार वो छोरा से पूछी कि बेटा तीन चार के बाद क्या आता है, छोरो बोले पांच छे, उन्हें देख दादा मुख जवानी यार, माने कि याद यार, माने कि और पूछ, माने कि पांच छे के बाद क्या आता है, माने कि सात आठ, उन्हें देख दादा यार खतरों इंटेलिजेंट, माने कि हाँ, माने कि और पूछ, उन्हें पूछे सात आठ के बाद क्या आता है, छोरो बोले नौ दस, ये और बोल के कुप्पा गयो, तो देखो मारो छोरो कत्तो इंटेलिजेंट, माने कि और पूछ, इन्हें पूछे नौ दस के बाद क्या आता है, छोरो बोले गुलाम बेगम बादशाह। खूब गजब आनंद है, कवि सम्मेलन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, मिलन सम्मेलन, अब कवि सम्मेलन का तो आनंद आप देख ही रहे हो, सामूहिक विवाह सम्मेलन का आनंद बताऊ आज मारो माडो भी सम्मेलन तो है साहब, मारो माडो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो, तो पंडित जी ने अनाउंसमेंट करो सभी दूल्हे तोरण मारने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो गया, सभी दूल्हे तोरण मारने की जगह पे खड़े हो जाए, खड़ा हो गया, वहां उन टेंट के ऊपर खूब सारा तोरण लटक गया, 20-25 आदमी था मैं लाड़ा लाड़ा जो तोरण लटक गया वहां। आखिर में पंडित जी ने की सभी दूल्हे तोरण मारे तो सबने टकाटक 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 तोड़ा मार दियो, मुंह नीचे छाके जो मारो ये का तो सो लाडो रो रहे हो बाप लो, मैंने थारे कई तकलीफ हुई, मैंने कि मारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे हुआ, मैंने लिया मुझ तो कोई यार थी जो मैंने हुई तो क्यों साहब तो कर मैंने कि लिया मार तो बेटो मां से पूछ रहे हो क्यों को मारू, मैंने कि मारो ही मार दे क्या तकलीफ हुआ साहब, तोड़न मार के सब पंडित जी ने अनाउंसमेंट करो कि सभी दूल्हे अपने अपने दुल्हन के पास जाके बैठे, मैं बैठ गया जाके, तो वो फिर रो तो तुम्हारे पास आयो, मुझे अब कई तकलीफ है, उन्हें की मरी तो मरी नहीं रही, मैंने की ढूंढ ये पार्टनरशिप नहीं चल रही भाई। मुरलीधर गौड़ ने एक बात की थी कि मुझे जब भी आओ कि जब गोविंद आगला जी बहुत यूनियो कर लिया मराठी, पर आप देखो कि गांव की व्यवस्था होती है साहब, ये गोविंद आगला जी, मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में चले गया, अब वहां जाए बाद वहां की जो व्यवस्था थी रात के 2 बजे कवि सम्मेलन, मैंने कि साहब रात के रात ये रुक जाओ, मैंने कि ठीक है, अब गांव की व्यवस्था थी या कि एक एक रजाई में दो कवि, अब ये गोविंद जी को नंबर और मरण नंबर एक रजाई में आयो, रात की 3-4 बजी और यहाँ का माथा में से एक जू चली, वह मारा माथा में घुसी, अब यहाँ का माता की जू और मारा माता की जू बात कर रही, यहाँ को माता की जी बोली देख रही बेन थारा तो मेल बेड़ी सज रहा, बाग बगीचे लाग रहा, थारा तो आनंद आ रहा, वह बोले मार तो आनंद, तू बता थारा कहीं हाल चाल, यहाँ का माता की जी बोली मैंने तो आने पलाटी करी दी हो गया। ये आनंद मैंने एक गिनती को साहब आपने खूब कर दिया, खूब कवि सम्मेलन सुना होगा और अखिल भारतीय तो खूब कवि सम्मेलन सुना आप लोगों ने, मगर जी कभी कोई भी कवि ने अपनी घर वाली पर कविता लिखी ना आज तक कोई ने भी बड़ाई नहीं लिखी, मोटी है, भेंगी है, गाड़ी है, ढेरी है, सबने बुराई लिखी आज तक, एक मुंह आदमी ऐसे हो जो मैंने बड़ाई लिखी, क्योंकि मुझे जानू पर यह बात कि भगवान ने जी खुदा सो बांध दियो बदिया रहो, खूटा का जानवर चारो पानी मत रहे भैया है ना, उजाड़ो डांडो कहाँ कहाँ जाकर कोई का खेत में रचू खाया हुआ कभी तो ये मानो लट पड़ा बेटा का मोरा में फिर भूसा, और बीबी पर कविता वही आदमी लिख सकता जो जिसको बहुत तगड़ो प्रेम हो, माँ दया को बहुत तगड़ो प्रेम, एक दिन माँ से यू कह रही कि देखो जी आप 15-15 दिन तक बाहर घूमो हो आप ही हमारी याद नहीं आवे, नहीं आवे ना तो कि फिर आप कहीं करो, लेकिन जब भी थारी याद आवे वह थारा पसंद की मेलेडी चॉकलेट खा लू ये, मैंने की बहुत अच्छा बात, पर अचानक मैंने पूछ ली मैंने यह बता कि जब मैं 15-15 दिन तक बाहर घूमू हूँ तो तेरी भी मारी याद आवे कि नहीं आवे, मैंने की आपकी भी कड़ी याद आवे, तो मैंने फिर तो कह करा कि जब भी आपकी याद आवे वो आपकी पसंद की 30 नंबर पीढ़ी के लू वो तुम ये प्रेम है मैं बात में बात चाल रही साहब, जो मैंने यू कहती मैंने यह बता कि मुंह मर जाऊ तो तू कहीं करे तो उदास होगी बाबड़ी, उनकी आपका मर्या बात मरो कौन,
मुँह मारी छोटी बहन के यहाँ चल जाऊंगा, उनके यहाँ झाड़ू बुहारो कर लूंगा, उनका बर्तन वर्तन माज लूंगा, मारो टाइम पास कर लूंगा। मन की बिल्कुल अच्छी बात। पर अचानक वह बोली, पर यह बताओ तो मुंह मर जाओ तो थे कहीं करो। मैंने की मुँह तो मुझे थारी छोटी बहन गई या व्यवस्था था मियाँ बीबी का प्रेम की, या मियाँ बीबी को प्रेम वो दिनेश बंटी के यहाँ कोई ना उन्हें जो थी मासे कि दादा वहां आना शाहपुरा। अब पतो नहीं बताया पट्टा ने वो सुबह तो शाम तक घूम रही हो दिनेश बंटी कहाँ रहते हैं, दिनेश बंटी कहाँ रहते हैं। शाम होता होता एक गली में खड़ी हो ना तो एक छोरो चबूतरी पर बैठे बैठे रो रही हो और भीतर घर में लोग रोए के लड़वा की आवाज आ रही। मनु छोरा से पूछ ली, मैंने की बेटा दिनेश बंटी कहाँ रहते हैं, ये लड़िया जो वही है। मैंने की तू क्यों है कहीं बात की लड़ाई चाह रही। मैंने साहब गीत लिखो भगवान जोड़ा ऊपरी तय करता सबका, जो आदमी यहाँ फिट होगा जो आदमी यहाँ फिट होगा जो आदमी यहाँ फिट होगा। नीचे आया बात सगाई लगन फेरा ये तो एक फॉर्मेलिटी है साहब। राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जावे, इनको थोड़ा सा इको बोल दो बस वो गीत दूंगा। तो मांडो होता होता कोई लाडा की लाडी उनका लाडा सो एक मुठ ऊंची खड़ जावे और कोई लाडा की लाडी बराबर जी की लाडी बराबर उनका जिंदगी कारण दो यार उनकी तलाश भी नहीं करी। जी की लाड़ी एक मुठ ऊंची उनका आनंद भी हुई याद उनकी भी अपन तलाश नहीं करी, मगर जी की लाड़ी छोटी है उनका आनंद आपने याद है। हाँ आपने छोटी लाड़ी है या नीचे का फेफड़ा यही अड़े बस आया, मगर मनु की अच्छाइयां ढूंढी उनका फायदा ढूंढिया उनकी उपलब्धियां ढूंढी। आप ताली बजाओ वो गीत गाओगे असी गनगोड़ तालिया। देखो हमारी जितने भी कवि गीत गागा ना सबसे शिक्षा मिलेगी, हमारी कविता से शिक्षा मिलती है, हमारी कविता से शिक्षा मिलती है, हमारा गीत से भी शिक्षा मिलेगा कि जो पढ़ गया वो तो पढ़ गया, मगर जो कुंवारा है जो गीत सुन जो और छोटे सामान लावा के सोच जो। देखो ताली बजाओ एक बार जो मन छोटी मली रे नार सुन सुन रे मारा यार। आप मार साथ तालियां बजाओ तो बहुत मजा आएगा और आगे वाला तो तुम फिर आजम थे। मन छोटी मली रे नार सुन सुन रे मारा यार सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार ए उका लाड लड़ाऊं उका ना धीरा उठाऊं उका लाड लड़ाऊं उका ना धीरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार ए सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार। छोटी को मतलब सीधी कोई ना बा। एक दिन मैंने सुबह उठता ही कह दी मैंने कहा देख तो आज तो पड़ोसन मारा सपना में आई। तो वह बोली अकेली आई होगा। मैंने कहा कसा यार तो उनको लोग मारा सपना में आए। हर कुमार जवाब मन प्यार सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार। कदरी अच्छी लागे छोटी करवाली घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले बार बार सूरत न कांच में न रखे बार बार सूरत न कांच में न रखे रूपों को देख देख ही उमर हर के रूपों को देख देख ही उमर हर के। कितनी अच्छी लागे छोटी घर वाली की घनी रूपाली लागे ओ धड़ी रूपाली लागे माने झू मारुती कार सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार लाड लड़ाऊ। एक दिन मारा पति स्कूटर पर बैठी मैं कहीं जा रहा अचानक बोली रुको 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 मैंने कहे हुए मैंने कि मंदिर दर्शन कर रहा हूं वहां चलेगी साहब चर्च में जय ईसा मसीह लटक रहा वहां का ढोक देर फांसी आएगी। मन गिरी पागल तू वहां तो ढोक दिया ही तेने मारा तो ढोक नहीं दे आज तक। वो बोले आप ही देना आप ही वहां लटक जाओ। मतलब आप देखो उनकी जनरल नॉलेज कितनी तेज है। मासूमी खेली कहते मर्चा लाओ मर्चा बीत गई मुख्य साहब हाट में मर्चे भी गायो
मनी ये ले एक किलो मिर्ची मनी कई भाव मनी की 60 की एक किलो मनी मेल दो रख दी नीचे शाम की पड़ोस में लुगाया बातें कर रही ना जो वह भी चलेगी। तो एक पड़ोसन बोली देखो जी भाभी जी आज तो हमारे भी मिर्ची लाए। तो वह बोली था कि कई भाव लाया। पड़ोसन बोली मां को तो 15 की पाव लाया। मैंने कहे हैं तो हाँ तो मां को पटेल देखो 60 की एक किलो ले रहे हो। मतलब आप देखो हिसाब ही कोई ना कोई क्या बढ़िया हिसाब से भाई। हाँ मुँह एक बार सावड़ा जी जरूर आपको सिंगोली को नाम दे लुआ हूँ। मुँह एक बार सावड़ा जी जरूर साहब रास्ता में मां को तनु क्यों तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा चलो चाय वाय पिला तो कार खड़ी करके मुँह नीचे उतरो तो वह भी नीचे उतर गई। तो वहां एक माड़ा बेच पर डोकरी आ गई। उन्होंने सोची भाई माड़ा खरीदना अब मैं गाड़ी में लगाऊंगा। अब वो फाचे खड़ा खड़ो खड़ो सुन रहे हो वो उसको बेस कर रही। माँ साहब माड़ा कशा दी। माँ साहब बोली 2 रुपये की एक। वह बोले कि नहीं 5 की दो दो। हमारा समझ नहीं किसे स्कूल में पढ़ी। माँ साहब माड़ा कशा दी 2 रुपये की एक। वह बोले कि नहीं 5 की दो दो। दो गरीबों ने हमारा पढ़ते ही ना खा हुआ अपन समझ गया सब। मैंने कहा दो ही माँ बेटे एक ही स्कूल में पढ़ी। फायदा देखो बीच में पुलिस वाला पैसा बैठा है सामने साम बहुत खुश हो रहा है। आपने भी भाभी जी शायद छोटे ही दिख गए इसको तो बड़ा आपन तो बोल फायदा देखो आप। छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। जुखाना की शान बढ़ावे छे जी रायतो। रायता से उपमा यूं करी साहब मने पत्तड़ में रायता को दोनों सबसे अलग नजर आवे। अच्छे बोले 1000 लुगाया के बीच में बैठी हो वो 295 का आंकड़ो आइटम में बैठी हो। छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। जुखाना की शान बढ़ावे चजी राय तो। बालका की चपला सु काम चाल जावे। फायदा कि बालका की चपला सु काम चाल जावे। साड़ी और कब्जा को नाप का मजा आवे। साड़ी और कब्जा को नाप का मजा आवे। और इसमें भी बड़ो फायदो कि 2 मीटर में बड़े भाग रो। वाह 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 छोटी लाडी 2 मीटर 4 सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार। एवं का लाड से भी ताली वाली बजा दो तो कुर्सी पर बैठे हुआ आप लोगों की दरबार कवि सम्मेलन में जितना भी पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और जहाँ की लाड़ी छोटी हो मुझसे मारो निवेदन है कि कवि सम्मेलन के बाद घर पर जा जो और वही गोल से देख लियो। यह हंसता की बात कोई नहीं। आप ही भगवान का दर्शन होगा उम्र आप रोज नहीं कहा देखो कैसे भगवान विराजमान। लारे लारे चलो जद सुनो वसी लागे। लारे लारे चलो जद सुनो वसी लागे। मुँह तो चलो धीरा धीरा और वा भागे। मुँह तो चलो धीरा धीरा और वा भागे। खेल पसर सो में छोटी सी रजाई में। वाह एक दे उनकी अलग ही है उमा घुस के भी एक बार नहीं घुस सके थे। बहुत दिक्कत आई भाई साहब माथो ढाके तो पग उगाड़ा और ढाके तो माथो उगाड़ो फिर थारो सामान तू उगाड़ अपना बस की बात भूल गया। लारे लारे चालो जद सोनो वसी लागे। लारे लारे चालो जद सोनो वसी लागे। मुझ चालो धीरा धीरा और वा भाग। फेल पसर सो में छोटी सी रजाई में। चारो मेर नफो और बरकत कमाई में। चारो मेर नफो और बरकत कमाई में। भगवान का दर्शन छोटी लाठी के भीतर अगर सही दर्शन करा दिया हो तो ताले बजा का आशीर्वाद दीजिए। कद खाटी सुलागे जाने ओ कद खाटी सुलागे जाने पावन को अवतार। सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार। एवं का लाड लड़ाऊ उनका नगरा उठाऊ पे हवे गणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा छोटी लाड़ी को सबसे बड़ो फायदो कि छोटी लाड़ी कभी भी बुढ़ी लागे कोई नहीं। 55 साल की उम्र मारी करवाड़ी की
अबारी भले सलवार कुर्तो बना दो तो भले पांचवी क्लास में भर्ती करा दो। वाह वाह। कोई भी मास्टर भर्ती कर। मास्टर का ही चपना सी भर्ती कर ले यार। यो न्यागा मारना होगा। उमर न लागे और दिखे जवान सी, उमर न लागे और दिखे जवान सी, बुढ़ापा में जवानी जो चढ़ परवान सी, बुढ़ापा में जवानी जो चढ़ परवान सी, सारी जिंदगी भर मजो ही मजो है, देखो मारो जीवन नशा स्वर्ग सुसजो है, देखो मारो जीवन नशा